आज सुबह कई विपक्ष पार्टियों की ओर से एक मेमोरेंडम पेश किया गया है नए राष्ट्रपति को। अफसोस है कि कई दिनों से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है, क्योंकि सारे विपक्ष की मांग एक ही रही है कि तुरंत एकदम महंगाई और जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है उस पर बहस हो। पहले भी नोटबंदी के संदर्भ में बहस हुआ था, किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं उस विषय पर भी चर्चा हुई थी, और जम्मू और कश्मीर को लेकर इस रूल के तहत एक बहस भी हुआ था। इस बार हम सारे विपक्ष पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी शामिल है उसमें, वो चाहती हैं कि एकदम तुरंत हम महंगाई और जीएसटी, खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाया गया है उस पर बहस हो। वो सरकार नहीं मानी है, 18 तारीख से मान रही नहीं रही है। सरकार तो कह रही है कि हम सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, पर हम चाहते हैं कि अभी चर्चा हो, पर ये नहीं हो पाया है तो इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। और आज हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी दूसरी बार ईडी को बुलाई गई है, वो अभी भी ईडी के सामने पूछताछ हो रहा है। सारे सांसद यहां किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में लाए गए हैं। हम राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहे थे, विजय चौक में हमें गिरफ्तार किया गया, हमें जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहां मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं, और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कल महंगाई और जीएसटी पर जो कर लगाया गया है खाद्य पदार्थों पर, उसी को लेकर उस पर बहस हो।